Hello guys, welcome back to Prafulla's Corner, another vlog, and today is Friday और करीब 7-8 बजे है. सो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. आज गोइंग फॉरवर्ड डे से भी चालू करूँगी, जैसे मैं नॉर्मल व्लॉग करती थी वैसे. यहाँ पे है ना बहुत अच्छा हवा चलती है और ठंड चालू हो गया. आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्वेटर नहीं पहना है, बस अभी खिड़की चालू किया ताकि मैं ना व्लॉगिंग करते टाइम यहाँ पर बैठूँ. और यहाँ पीछे टिमटिमाते हुए लाइट काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा. सो अभी मैं जाती हूँ खाना बनाने और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में. तो फिर चालू करते ही व्लॉग, गेट सेट एंड कम ऑन. जीरा पनीर, ये मेथी अभी मुझे साफ करना है और ये मैं बाहर जाके गाय जो है उसे खिला दूंगी. मुझे खाने का रिव्यू दे दो. अच्छा बनाया था, एकदम टेस्टी. अभी हम देख रहे हैं टीवी और टीवी में चल रहा है ये एप, हम लोग कोई सीरियल वीरियल नहीं देखते, सो यहाँ तो ये चल रहा है, ये लग गया है हमारा टीवी. योगेश ने लगाया था. हमारे यहाँ पे जो डोर स्टेप पे आते हैं कचरा लेने के लिए, जो बिल्डिंग सोसाइटी रखती है और नहीं रखी है, जाने उनको ज़रूरत नहीं लगती है उस चीज़ की, तो उन्होंने नहीं रखी है. तो सारे पब्लिक जो है अपने खिड़की से बाहर जो रोज़मर की कचड़े है वो फेंके, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना. यहाँ पे सभी एजुकेटेड रहते हैं, यहाँ पे सभी एजुकेटेड रहते हैं, राइट. और जो एक ने गलती कर दी और सब ने कर दी, मतलब एक किसी ने फेंका होगा, एक का देख के दूसरे ने फेंका होगा, मतलब एक रोज़ ही फेंकता होगा तो उधर डंग बन गया होगा. तो दूसरे ने सोचा यहीं पे फेंकना है, अपना दिमाग नहीं लगाया, भाई ये कचरे का ढेर नहीं है. सो हम क्या करते हैं ना, सबके साथ ये सेम गलती नहीं करते. आप चेक कर लीजिए, अब मैं दिखाने जा रही हूँ कि हम क्या करते हैं. तो हम जो करते हैं वो प्रॉपर जो कचरा जहाँ तक लेने आता है यहाँ का गुजरात गवर्नमेंट का जो डस्ट निकालने आता है, जैसे BMC बोलो जो भी है, इधर शायद उसे कुछ और बोलते हैं. सो हम जो है ना वो प्रॉपर वो जगह पे डाल कर आते हैं. यहाँ पे थोड़ी दूरी में चल के, वो तो आप चल के नहीं जा सकते, बट थोड़ा आपका अगर व्हीकल है तो आप जा सकते हो. ऑन द वे आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑन द वे ही है जहाँ से हमको निकलना है, ऑन द वे है. अगर आप इस तरफ से भी टर्न मारो, इधर 2-3 रास्ते हैं मेन रोड में जाने के लिए. तो सब जगह का है ना कचरा फेंकने का जगह है, पर पब्लिक को किसी को समझ नहीं आता. बट हम फिर गवर्नमेंट को कोसते हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया है पर हमने नज़र नहीं डाली है उसने, और एक ने गलती की है उसे सब ने फॉलो की है. सो ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ लिटरली. अभी तो फेंकने वाला नहीं दिखा रही हूँ, आज योगेश लेकर गए हैं कभी कभार. लिटरली अभी तो फेंकने वाला नहीं दिखा रही हूँ, आज योगेश लेकर गए हैं कभी कभार. हम दोनों ही निकलते हैं साथ में तभी हम दोनों डालने जाते हैं. और अगर कहीं नहीं जा रहे हो ना तो लिटरली हम टाइम निकालते हैं, रात को जाते हैं और कचरा डंप में फेंक के, लेके डंप में, कहीं और नहीं, जहाँ पे प्रॉपर हमने पता किया है कि यहाँ से रोज़मर्रा के लाइफ में कचरा निकाला जाता है, बस वहीं जाकर हम फेंक. आज के वीडियो में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबने किया हुआ गलती से समझ आता है आपको कि ये गलती है, गलत है. सो स्टैंड फॉर इट एंड डोंट फॉलो द मिस्टेक. और हम वही करते हैं, ये कचरे की बात हो या कुछ भी बात हो, हम वही मिस्टेक को फॉलो करते हैं जो इतने टाइम से फॉलो हो रहा है. सो यहाँ पे ये व्लॉग एंड करती हूँ. ये मॉरल ऑफ द स्टोरी या फिर आप को एक अच्छा मैसेज देते हुए, मेरे लाइफ का मोटिव वही है कि
सबने किया हुआ गलती सेम मुझे नहीं करना है, जो समझ आ रहा है कि ये गलती है तो गलती है, दैट्स इट। ज़्यादा लेक्चर न देते हुए यहीं पे ये व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योरसेल्फ एंड स्टे ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव टू। बाय बाय।